तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें बताया जाता है कि कई साल पहले इंसानों की रक्षा स्पिरिट्स गार्डियन किया करते थे और वो इंसानों के साथ ही रहते थे। फिर हम दो स्पिरिट्स सेंटो और यूले को देखते हैं जिनका काम हर उस इंसान की रक्षा करना है जो भी अपने घर के बाहर स्पेशल स्पिरिट पोस्टर लगाएगा। पर दिक्कत ये है कि अब लोग बिना स्पिरिट्स के भी रहना सीख चुके हैं और वो भूल गए हैं कि कभी स्पिरिट्स हुआ भी करते थे, जिसकी वजह से स्पिरिट रूम भी पूरी तरह से बदल चुका है। हालांकि अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो पुराने रीति रिवाजों को मानते हैं और उन स्पेशल पोस्टर्स को बाहर लगा कर रखते हैं। फिर हम एक सूप शॉप को देखते हैं जहां वही स्पेशल पोस्टर लगा था और उस शॉप की ओनर एक काफी अच्छी ग्रैंड मदर है। उस ग्रैंड मदर की बेटी लूली हमेशा सिटी से बाहर ही रहती है, पर वो अपनी बेटी रेन के साथ हमेशा अपनी मदर से मिलने आती रहती थी। तभी हम देखते हैं कि लूली अपनी बेटी के साथ ग्रैंड मदर से मिलने आती है और लूली उसी गार्डियन के पोस्टर के बारे में पूछती है, पर ग्रैंड मदर पहले लूली को कुछ खा लेने को कहती है क्योंकि वो काफी दूर से मिलने आई थी। डिनर के बाद रेन शॉप में घूमने लगती है और उसे एक म्यूजिक डिवाइस काफी पसंद आता है जो कि ग्रैंड मदर को भी काफी पसंद था। पर जल्द ही ग्रैंड मदर की तबीयत खराब होने लगती है और कुछ ही दिन में उनकी मौत भी हो जाती है, जिसकी वजह से लूली और रेन काफी निराश हो जाती है। फिर वो दोनों मिलकर उनका ट्रेडिशनल तरीके से अंतिम संस्कार भी करती है और एक फ्लोटिंग बलून में ग्रैंड मदर का म्यूजिक डिवाइस उड़ा देती है। अब ये लूली की जिम्मेदारी थी कि ग्रैंड मदर के काम को वो आगे बढ़ाए और सूप शॉप को भी संभाले, पर इसमें उसे काफी मुश्किलें आ रही होती है तो रेन विश मांगती है कि गार्डियन स्पिरिट उनकी मदद करे। हम देखते हैं कि बहुत सारे फ्लोटिंग बलून हवा में जा रहे थे, पर ज्यादातर लोगों ने मजे के लिए उन बलून को छोड़ा था और सिर्फ लूली ने ही उस सीक्रेट तरीके से बलून को छोड़ा होता है। सभी बलून स्पिरिट्स रूम के एक पेड़ से जाकर चिपक जाते हैं, पर वहाँ पर सेंटू और यूले लड़ाई कर रहे थे क्योंकि अब कोई भी इंसान उन्हें याद नहीं रखता और सभी ये भूल गए हैं कि कैसे स्पिरिट्स ने हजारों साल तक उनकी मदद की थी। सेंटू समझ चुका था कि इंसान उन्हें भूल गए हैं, इसलिए वो यूले को भी समझाता है कि उन्हें इंसानों की मदद करने के बारे में भूल जाना चाहिए क्योंकि अब सब कुछ बदल चुका है। तभी यूले को ग्रैंड मदर का म्यूजिक बॉक्स दिखता और वो उसके पास जाता है, पर सेंटू उसे रोक देता है क्योंकि उसे लग रहा था कि ये भी इंसानों की तरफ से भेजा कोई मजाक ही होगा। तभी एक ओल्ड मैन आता है जिसका नाम बैकेट है। बैकेट यूले से कहता है कि उसे भी अब ये मान लेना चाहिए कि इंसान उन्हें भूल चुके हैं, पर यूले कहता है कि उन्हें वापस धरती पर जाना शुरू करना चाहिए और सिर्फ ऐसे ही लोग उन्हें वापस से याद कर पाएंगे, वरना जो कुछ लोग सही में उन्हें याद करते हैं वो भी भूल जाएंगे। तभी डिम सभी को स्पिरिट मीटिंग के लिए बुलाता है जहां स्पिरिट लीडर डिसाइड करता है कि अब वो इंसानों के बीच से सभी पोस्टर्स को हटा देंगे और अब उन्हें इंसानों की कोई मदद करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर सभी काफी खुश होने लगते हैं और अब कोई भी स्पिरिट पोर्टल का यूज भी नहीं करेगा। पर बैकेट, जिसने कुछ ही टाइम पहले एक ओल्ड लेडी की मदद की थी, उसे सजा दी जाती है और उसे स्पिरिट रूम से निकाल दिया जाता है। सेंटू और यूले दोनों भाई को बैकेट के लिए काफी बुरा लग रहा था। जब बैकेट वहां से जाने लगता है तो वो दोनों भाई जाकर उससे बात करते हैं तो बैकेट उन्हें बताता है कि पहले ये दीवारें गार्डियन और एंशिएंट इविल सेफ शिफ्टर के बीच की वॉर की कहानी बताती थी, पर अब इन पर पेंट करके इन्हें छुपा दिया गया है। बैकेट बताता है कि इविल निये पूरी दुनिया को अपने कब्जे में करना चाहता था, पर गार्डियन और इंसानों ने मिलकर निये को तीन अलग अलग जगहों पर सील कर दिया। लेकिन अब इंसान भूल चुके हैं कि स्पिरिट्स और इंसानों को दुनिया को सेफ रखने के लिए साथ रहना चाहिए। तभी यूले के दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो निये को वापस बाहर निकालेंगे, जिससे इंसानों को उन्हें वापस याद करना ही होगा। बैकेट को पता है कि ये मिशन कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता था, इसीलिए वो उसे समझाने की कोशिश भी करते हैं, पर यहाँ पर यूले फैसला कर चुका था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम लूली और रेन को देखते हैं जो वैसे ही सूप बनाने की कोशिश कर रही थी जैसे उसकी ग्रैंड मदर बनाया करती थी। कई पुराने कस्टमर थे जो अब भी उनकी शॉप पर आया करते थे, पर बच्चे अब वही पुराने टेस्ट से काफी बोर हो गए थे, इसलिए वो आना बंद कर देते हैं। और इसी मौके का फायदा उठाकर एक आदमी रॉगमैन उसी जगह पर एक काफी बड़ा रेस्टोरेंट खोल देता है और वो अपना काफी प्रचार करता है, जिससे काफी कम टाइम में इसके काफी सारे कस्टमर भी बन जाते हैं। लूली की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ने लगती है जब एक ट्रक उसकी शॉप के सामने आकर रुक जाता है। वो ट्रक ड्राइवर से ट्रक को हटाने की कहती है, पर कोई उसकी बात ही नहीं सुनता। तभी रॉगमैन वहां पर आता और अपनी पावर दिखाकर उस ट्रक ड्राइवर को उसके ट्रक के साथ वहां से भगा देता है। इसी मौके का फायदा उठाकर रॉगमैन लूली से उसकी शॉप बंद करने को कहता है, पर लूली मना कर देती है क्योंकि उसकी मदर की यह आखिरी निशानी थी। फिर रॉगमैन उसे समझाने लगता है कि खाना बनाना कितना मुश्किल है और हर चीज भी कितनी महंगी आती है, और साथ ही इतने कम प्रॉफिट के साथ उसे कुछ फायदा भी नहीं होने वाला। पर लूली उसकी कोई बात नहीं मानती, जिसकी वजह से रॉगमैन को वापस जाना पड़ता है। फिर हमें पता चलता है कि वो ट्रक ड्राइवर भी रॉगमैन ने ही भेजा था, पर उसका ये प्लान बेकार गया। हम देखते हैं कि रेन को भी उस जगह पर रहने में काफी दिक्कत आ रही थी क्योंकि कोई भी बच्चा उसके साथ खेलना चाहता ही नहीं था, क्योंकि रेन की ग्रैंड मदर हमेशा स्पिरिट्स की बातें किया करती थी।
जिसकी वजह से सभी बच्चों को लगता था कि रेन भी वैसे ही होगी। रेन अपनी मदर के पास आती है और उससे उनके सिटी वाले घर में चलने को कहती है, पर लूली रेन को समझाती है कि अब ये शॉप ही उनका नया घर है, क्योंकि ये शॉप पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है और अब इस शॉप को चलाना उनकी जिम्मेदारी है। रेन यहाँ पर उदास हो जाती है और अकेले में आकर बैठ जाती है। तभी कुछ कुत्ते रेन के पास आते और रेन उनसे डर कर भागने लगी थी। तभी यूले रेन के पास आ जाता और उसे बचा लेता है। असल में यूले यहाँ पर निये को आजाद करने आया था। वो रेन से काफी सारे सवाल पूछता है क्योंकि अब ये दुनिया पहले से पूरी तरह से बदल चुकी थी और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। फिर यूले यहाँ पर रेन को वापस अपने घर जाने को कहता है और उसको एक प्रोटेक्शन जेड रिंग बांध देता है जिससे वो सेफ रह सके। फिर यूले जंगल में पहुंचता है जहां पर वो पहली सील थी। सील के पास एक गार्डियन क्लोसल भी था जिसका काम सील की रक्षा करना है। यूले उसे सच बता देता है कि वो यहाँ पर सील तोड़ने आया है, पर फिर भी क्लोसल कुछ कहता नहीं क्योंकि वो भी अकेले इतने सालों से सील की रक्षा करते हुए परेशान हो चुका था। फिर यूले अपनी पावर का यूज करता है जिससे पूरी रिवर का पानी सूख गया था और एक काफी बड़ा ड्रैगन वहां से बाहर निकलता है। वहीं रेन सो रही होती है तभी उसका प्रोटेक्शन जेट चमकने लगता है और वो जाग जाती है और तभी वो उसी ड्रैगन को देखती है जो उड़ते हुए जा रहा होता है। अगले दिन लूली पानी चालू करती है पर पानी आता ही नहीं। तभी रॉगमैन वहां पर आकर बताता है कि किसी को नहीं पता पर कैसे पूरी रिवर ही सूख चुकी है जिसकी वजह से पानी कहीं नहीं आ रहा। फिर रॉगमैन लूली की मदद करने की कहता है। वो उसे पानी देता है पर वो उसमें कुछ केमिकल भी मिला देता है और लूली को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था और वो उस पानी का यूज खाना बनाने के लिए करती है। और जब वो उस खाने को लोगों को देती है तो सबका पेट खराब हो जाता है और कुछ देर के बाद वहाँ पर एक फूड इंस्पेक्टर भी आता है। लूली उसे समझाने की कोशिश करती है कि उनके सूप की रेसिपी हजारों साल पुरानी है तो इससे किसी को दिक्कत तो नहीं हो सकती, पर फूड इंस्पेक्टर लूली की एक बात नहीं सुनता और उसकी शॉप को सील कर देता है। स्पिरिट वर्ल्ड में क्लोसल सेंट उसे मिलता है और बताता है कि यूले पागल हो चुका है क्योंकि वो सारी सील तोड़ने में लगा है। सेंटो को अपने भाई की चिंता होने लगती है और वो भी पोर्टल की मदद से ह्यूमन वर्ल्ड में जाने का डिसाइड करता है। वहीं रेन गलियों में घूम रही होती है तभी वापस कुत्ते उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, पर इस बार सेंटू रेन को बचा लेता है। तभी सेंटू रेन के गले में जेड को देखता है और उससे पूछता है कि उसे वो जेड कहाँ से मिला। रेन काफी खुश होती है ये जानकर कि सेंटू भी एक गार्डियन है। वो उससे मदद मांगती है और वो दोनों फूड इंस्पेक्टर के पास जाते हैं। फूड इंस्पेक्टर को ऐसा लगता है कि सेंटू उसका पुराना दोस्त है, इसीलिए वो रेन की सूप शॉप पर एक बार फिर से वापस जाने के लिए मान जाता है, जिसके बाद रेन सेंटू को अपने साथ शॉप पर लेकर आती है और लूली को बताती है कि सेंटू उसका दोस्त है। लूली सेंटू से उनकी शॉप को साफ करने में मदद मांगती है और सेंटू मना नहीं कर पाता। फिर वो तीनों मिलकर काफी अच्छे से पूरी दुकान को साफ कर लेते हैं और कुछ ही देर बाद फूड इंस्पेक्टर वापस से वहां पर आता है और वो पूरी दुकान को इतना साफ देखकर काफी खुश भी होता है। पर जैसे ही वो खाना खाने जाने वाला होता है वो एक कॉकरोच को देखता है और शॉप को हमेशा के लिए सील करने लगता है। पर तभी फूड इंस्पेक्टर देखता है कि वो कॉकरोच तो बाहर जा रहा है और वो सीधा जाकर रॉगमैन की शॉप में घुस गया। फूड इंस्पेक्टर तुरंत ही रॉगमैन के किचन में जाता है जहाँ काफी ज्यादा गंदगी थी और वो उसी की शॉप को सील कर देता है और वो रेन की शॉप को वापस से ओपन कर देता है। अब लूली की शॉप पहले से भी काफी ज्यादा अच्छे से चलने लगी थी। सेंटू इंसानों की मदद करके काफी खुश था और अब वो रेन से यूले को ढूंढने में मदद करने को कहता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यूले दूसरी सील तक भी पहुंच चुका था और वो दूसरी सील की गार्डियन ब्लूम से मिलता है। ब्लूम हमेशा से यूले से प्यार करती है पर यूले ने उसे कभी ऐसा मौका नहीं दिया। पर ब्लूम यूले को सील नहीं तोड़ने देने वाली थी, इसलिए उन दोनों में फाइट होती है और ब्लूम यूले को हरा भी देती है। फिर वो दोनों साथ बैठकर बातें करने लगते हैं, पर जल्दी ब्लूम को भी समझ आता है कि यूले सिर्फ उसका ध्यान भटका रहा था और उसका इस मौके का फायदा उठाकर उसने सील भी तोड़ दी है। उस सील में से काफी एनर्जी निकलती है और जब तक रेन और सेंटू वहां पर पहुंचते सील टूट चुकी थी और वो देखते हैं कि यूले अब बूढ़ा हो चुका है। सेंटू उससे पूछता है कि ये उसके साथ क्या हुआ, जिस पर वो बताता है कि सील तोड़ने के लिए उसे अपनी जवानी सेक्रीफाइस करनी पड़ी। सेंटू यूले से अब रुक जाने को कहता है क्योंकि उसका दुनिया और उस पर दोनों पर काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है, पर यूले अपने भाई की एक नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। सेंटू रेन को वापस घर छोड़ देता है क्योंकि वो किसी बच्ची को खतरे में नहीं डालना चाहता था। लूली काफी खुश थी क्योंकि आज उन्हें काफी ज्यादा प्रॉफिट हुआ था, पर रेन खुश नहीं दिख रही थी क्योंकि जिन पैडल्स की मदद से उसने सूप को टेस्टी बनाया था वो अब खत्म हो चुके हैं। पर लूली रेन को दुखी ना होने की कहती है क्योंकि वो दोनों मिलकर कुछ कर ही लेंगे। लूली डिसाइड करती है कि वो हजारों साल से चली आ रही इस रेसिपी को बदलेंगे और दोनों एक पहले से बेहतर रेसिपी बनाने लग जाती है। वो दोनों कई बार फेल भी होती है पर हार नहीं मानती और पूरी रात की मेहनत के बाद वो दोनों मिलकर एक नई रेसिपी तैयार कर ही लेती है। अब अगले दिन उस नई रेसिपी से बना सूप सभी को देती है और वो सूप लोगों को काफी पसंद आता है, जिससे उनकी शॉप काफी ज्यादा मशहूर हो जाती है
और लोग उन्हें काफी पसंद करने लगते हैं। रेन के भी काफी सारे दोस्त बन जाते हैं क्योंकि सभी पता करना चाहते थे कि उनका सूप इतना ज्यादा अच्छा कैसे बनता है। रेन सभी को गार्डियंस के पोस्टर देती है और बताती है कि उन्होंने उनकी मदद की थी। वहीं अब यूले तीसरी और आखिरी सील तक भी पहुंच चुका था, जहां यूले एक घर के अंदर जाता है जहां उसे बहुत सारे पोस्टर्स और स्टैचू दिखते हैं। तभी एक ओल्ड मैन बाहर आता है और बताता है कि उन सभी को उसने ही बनाया है। फिर यूले और वो ओल्ड मैन बात करने लगते हैं और दूसरी तरफ सेंटू स्पिरिट वर्ल्ड में फंस चुका था और रॉगमैन रेन की शॉप में उनकी नई रेसिपी चुराने आता है और हर जगह वो रेसिपी ढूंढ रहा होता है। और तभी वो कुकर को बंद कर देता है जिससे उसमें काफी सारे गैस इकट्ठा हो जाए और वो ब्लास्ट हो जाए जिससे पूरी दुकान ही डिस्ट्रॉय हो जाए। तभी वहां पर रेन आ जाती है और रॉगमैन इससे शर्मिंदा होने की जगह रेन को बांध देता है और उससे उसकी रेसिपी पूछने लगता है। इधर काफी मुश्किलों का सामना करने के बाद सेंटू वापस से ह्यूमन वर्ल्ड में आ गया था और आते हुए रेन को रॉगमैन से वो बचाता है। फिर वो यूले को रोकने जाने लगता है पर कुकर के बारे में पूरी तरह से वो भूल जाते हैं। इधर वो ओल्ड मैन यूले को समझाता है कि अगर वो सील तोड़ता है तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, पर फिर भी अगर वो सील तोड़ना चाहता है तो तोड़ सकता है। तभी वहां पर सेंटू आता है और अपने भाई को रुकने की कहता है, लेकिन तब तक यूले सील में स्वॉर्ड मार चुका था और सेंटू की बात मानकर अपनी स्वॉर्ड वहीं छोड़कर वो जाने लगता है। पर सेंटू को ऐसा लगता है कि यूले अपनी स्वॉर्ड भूल कर जा रहा है, इसीलिए वो स्वॉर्ड निकाल देता है। लेकिन इससे वो ईविल निये आजाद हो गया था और हर चीज को डिस्ट्रॉय करने लगा था। निये यहाँ पर सिटी तक पहुंच चुका था और वहीं हम देखते हैं कि कुकर के फटने की वजह से रेन की शॉप भी डिस्ट्रॉय हो जाती है, पर लूली और रेन अपनी जान बचाकर भागते हैं। जल्दी रेन को पता चल जाता है कि उस मॉन्स्टर को पटाखों से डर लगता है, इसीलिए रेन सभी लोगों के साथ मिलकर उस मॉन्स्टर का सामना करने की कहती है जिससे वो अपने घरों को बचा सके। वहीं यूले कह रहा होता है कि ये सब उसी की वजह से हुआ है, पर सेंटू उसे समझाता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं, निये ने उसके दिमाग पर कंट्रोल कर लिया था और अभी उन्हें मॉन्स्टर को हराने के बारे में सोचना चाहिए। तभी उन्हें पता चलता है कि निये की चेस्ट में कोर है और उसे हराने के लिए उन्हें उस कोर को डिस्ट्रॉय करना होगा। फिर दोनों भाई मिलकर जेड रिंग से अटैक करते हैं और वो सीधा जाकर कोर पर लगती है, पर निये को मारने के लिए उन्हें उस कोर को और भी अंदर डालना होगा। पर निये उन दोनों को पकड़ लेता है। तभी सेंटू को ग्रैंड मदर की वो म्यूजिक बॉक्स मिलता है जिससे वो जेड रिंग को और भी अंदर कर देता है। अब यहाँ पर निये मर चुका था और वो वापस से जाकर उन तीन सील में बंद हो जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि लूली और रेन ने अपनी शॉप को वापस से चालू कर ली थी और अब वो पहले से भी काफी अच्छी दिख रही थी। वहीं स्पिरिट वर्ल्ड में यूले और सेंटू ने सूप की शॉप खोल ली थी जिससे सभी गार्डियन काफी खुश थे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।